जिंदगी की जंग अपने बलबूते पर लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम भी इसे ज़रूर अच्छे लगते हो। ज़िंदगी के महंगे सबक हमेशा सस्ते लोग ही सिखाते हैं। लोगों को वक़्त दें, मौका दें, इज्जत दें, लेकिन किसी से तवज्जो की भीख मत मांगें। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। बात सारी नीयत की होती है। ज़िंदगी की ठोकर बहुत नराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। इंसान का गुस्सा भी अजीब है। वो अपने से बड़े और ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। अपने जिस्म के वक़ार के लिए अपना सर ऊंचा रखें और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए अपनी नज़र और लहजा हमेशा नीचा रखें। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं जिसकी आँख में इख्तराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहम दिली और मकासद में आला दर्जी। बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। बेटियाँ फूलों की तरह होती हैं, ये फूल आपके घर की जीनत हैं। बच्चा पालना कोई बड़ा काम नहीं। जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है और तरबियत तवज्जो और वक़्त मांगती है। अरूज में अगर नज़रें नीची और लहजा नरम हो तो जवाल में तकलीफ कम होती है। बददुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बददुआ बन जाती है, और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। किसी को देने में जो बात है वो किसी से लेने में नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह आपके साथ खूबसूरत खूबसूरत इस्लामी अक़वाल लेकर आऊँगा। अल्लाह ताला आप सब पे अपना खुसूसी करम फजल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।